तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यार, कौन सी ऐप डाउनलोड करें, क्या हम टिकटॉक को अपडेट करें, क्या हम म्यूजिकली को वैसे का वैसा रहने दें। तो यार आज मैं दोनों ऐप का रिव्यू दूंगा और आपको कौन सी ऐप डाउनलोड करनी चाहिए ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरे इस फोन में टिकटॉक ऐप है और दूसरे फोन में मेरी म्यूजिकली ऐप है, तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो आप में से कुछ लोग हैं उनका तो म्यूजिकली का साइज भी ज्यादा हो गया, 10 GB का हो गया, तो वो प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और हैंगिंग प्रॉब्लम, कुछ का तो हैंग कर रहा है फोन बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो देखने से पहले प्लीज यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो और आपको नोटिफिकेशन आते ही रहेंगी। चलो वीडियो देखते हैं। तो यार वैसे तो TikTok और म्यूजिकली ऐप दोनों सेम है, बट यार किसी में प्रॉब्लम ज्यादा है और किसी में प्रॉब्लम कम है, और किसी में क्वालिटी ज्यादा है और किसी में क्वालिटी कम है। तो आज मैं दोनों का रिव्यू देने लगा हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिकली ऐप से। तो ये मेरा म्यूजिकली है, तो मैं इसको ओपन करूंगा और अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा। तो म्यूजिकली में आप आराम से लॉग इन कर सकती हो। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आपको अगर यूजर नेम और पासवर्ड याद है आप आराम से लॉग इन कर सकती हो म्यूजिकली ऐप में। तो अपना यूजर नेम डालूंगा और पासवर्ड भी डालूंगा। तो जैसे कि मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो ये आराम से लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। तो अब मैं टिकटॉक ऐप में अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के देखता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो टिकटॉक ऐप मैंने ओपन कर दी और अब मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। यूजर नेम डालता हूँ अपना और पासवर्ड भी। तो यार मेरा तो अकाउंट लॉगिन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे लिखा रहा आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो यार इसमें ऐप में प्रॉब्लम है। तो अगर आप दूसरा म्यूजिकली डाउनलोड करोगे तो उसमें हो जाएगा, और अगर आप अपना अकाउंट इंस्टाग्राम से लॉगिन करोगे इंस्टाग्राम के थ्रू तो आपका लॉगिन हो जाएगा टिकटॉक में। तो कुछ लोगों के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ को ये प्रॉब्लम आएगी लॉगिन की। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मैं इंस्टाग्राम थ्रू लॉगिन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की ऑप्शन भी है टिकटॉक ऐप में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, तो मेरा अकाउंट आराम से लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से पहले से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया टिकटॉक ऐप में। यहाँ पे सेव इन्फो पे क्लिक करना है और हो गया हमारा अकाउंट लॉगिन। तो इंस्टाग्राम के थ्रू लॉगिन हो जाएगा अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हो ये टिकटॉक के फिल्टर्स हैं। तो टिकटॉक के यार फिल्टर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही हाईलाइट हो रहे हैं और यार आइज भी बहुत ही क्लियर दिख रही है। तो फिल्टर्स बहुत ही क्लियर है यार टिकटॉक के। तो टिकटॉक के फिल्टर्स बहुत ही अच्छी हैं और साइड में आपको इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो चलो अब हम म्यूजिकली के फिल्टर्स देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं म्यूजिकली के फिल्टर्स की। तो यार ये म्यूजिकली ऐप के फिल्टर्स इतने अच्छे नहीं मुझे लग रहे यार, इसमें वो बात नहीं है जो टिकटॉक ऐप में है। तो यार टिकटॉक ऐप के फिल्टर्स बहुत ही अच्छी हैं एज कम्पेयर टू म्यूजिकली। तो यार इसके फिल्टर्स थोड़े बहुत इतने डीप नहीं आ रहे, मतलब इतने अच्छे नहीं लग रहे, वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हैं टिकटॉक ऐप से, इसके इतने ग्लो नहीं कर रहे। तो आपको फिल्टर्स के लिए अच्छा होगा आप टिकटॉक ऐप ही यूज़ करो। तो अब मैं टिकटॉक ऐप में ट्रांजिशन करूँगा, मैं बिल्कुल बेसिक ट्रांजिशन करूँगा। तो देखते हैं कैसी वीडियो बनी है। तो यार टिकटॉक ऐप में ट्रांजिशन काफी अच्छी बनी है। तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे यार चिराग हमारा म्यूजिकली का अपडेट का साइज इंक्रीज हो गया, मतलब आपका म्यूजिकली 9 GB का हो गया, कुछ का 2 GB का हो गया, कुछ का 10 GB का हो गया म्यूजिकली। तो ये प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, और फोन की स्टोरेज भी ज्यादा हो गई है। अगर जो म्यूजिकली का साइज इंक्रीज हुआ ना, उस वाले म्यूजिकली को आपको डिलीट कर देना, उसके बजाय आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है म्यूजिकली। ऑनलाइन भी कर सकते हो या आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, तो आपका नॉर्मल साइज हो जाएगा म्यूजिकली। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे यार हमारा म्यूजिकली हैंग हो रहा है। तो अरे आपका म्यूजिकली हैंग हो रहा है तो आपके फ़ोन में यार मेमोरी कार्ड होना चाहिए, और अगर हैंग ज़्यादा हो रहा है तो आपको यार ऑनलाइन डाउनलोड करना है म्यूजिकली। आप फिर से म्यूजिकली डाउनलोड करो ऑनलाइन या प्ले स्टोर से करो, अपडेट करो म्यूजिकली, हैंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। तो अब मैं म्यूजिकली में ट्रांजिशन करूंगा, तो मैं नॉर्मल से ही ऐसे ट्रांजिशन करूंगा। बस हमें बस ये चेक करना है इसमें बेसिक ट्रांजिशन ठीक होती है या नहीं, जैसे स्पिन ट्रांजिशन ठीक हो रही है, ये सारी छोटी छोटी ट्रांजिशन ठीक हो रही है या नहीं। हम एक छोटी ट्रांजिशन करते हैं। देखते हैं कैसी बनी है। तो यार म्यूजिकली ऐप में भी ठीक ट्रांजिशन बनी है हमारी, बट टिकटॉक के फिल्टर्स के कारण ट्रांजिशन और अच्छी लग रही थी। तो यार अब हम बात करते हैं लाइक्स फॉलोवर की, किस ऐप में आपको ज्यादा लाइक्स फॉलोवर आएंगे। तो मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन था। तो यार ऐसा नहीं होता कि अगर तुम पुरानी म्यूजिकली डाउनलोड कर लोगे तो आपको लाइक्स फॉलोवर ज्यादा आएंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप नई म्यूजिकली डाउनलोड करोगे जो टिकटॉक वाली, उसमें भी आपको लाइक फॉलोवर ज्यादा आएंगे। तो दोनों में सेम आएंगे, अगर तुम वो ऐप चलाओ या दूसरी ऐप चलाओ, दोनों में लाइक फॉलोवर सेम आएंगे। ऐप ही यार वैसे सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइक फॉलोअर का। बस ये फर्क पड़ेगा इस बार कि आपके लाइक फॉलोअर आने का चांसेस कम होगा, क्योंकि टिकटॉक ऐप में अब पब्लिक बढ़ गई है। पहले यार म्यूजिकली ऐप में 100 मिलियन थे और अब टिकटॉक ऐप में 500 मिलियन है लोग, ठीक है। दोनों को मिला के 500-600 मिलियन हो गए हैं लोग। म्यूजिकली वाले भी आ गए हैं और टिकटॉक ऐप वाले भी आ गए हैं आपस में, और अब थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है और आपको लाइक्स फॉलोअर आने का चांस थोड़ा कम है। तो अब हम बात करते हैं कौन सी ऐप बेस्ट है, म्यूजिकली ऐप बेस्ट है या टिकटॉक ऐप बेस्ट है। तो यार बहुत ही डिफिकल्ट है दोनों में से एक चूज करना, बट यार पहले दिन मुझे टिकटॉक ऐप बहुत ही बकवास लग रही थी। तो यार फिर मैंने टिकटॉक ऐप को अच्छे से चलाया, फिल्टर्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे, ट्रांजिशन भी यार ठीक बनी और मुझे फॉलोअर भी आ रहे थे थोड़े बहुत, तो मुझे टिकटॉक ऐप बहुत ही अच्छी लगी। तो यार आप लोग टिकटॉक ऐप यूज करो, क्योंकि यार टिकटॉक ऐप मुझे बेस्ट लगी है और सब कुछ ठीक है यार इस ऐप में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी कमेंट करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, इससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो और आपको नोटिफिकेशन आती ही रहेंगी। और मुझे प्लीज़ यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, और म्यूजिकली भी यार फॉलो कर देना, आप लोग करते नहीं हो फॉलो। और मेरे म्यूजिकली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।